दुनिया भारत की शक्ति, भारत की क्षमता और भारत की सांस्कृतिक विरासत भी देखेगी। मेरी दो सहयोगी हमारे साथ इस समय आज तक पर जुड़ रही हैं, मौसमी सिंह और ऐश्वर्या पालीवाल। और मौसमी, अगर हम तैयारियों की बात करें तो समीक्षा तो हर स्तर पर हो रही है। एक अंतिम समीक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करेंगे जब वो जकार्ता से लौटेंगे। यह दिखाता है कि भारत का प्रयास है बेस्ट फुट फॉरवर्ड, ताकि दुनिया भारत की शक्ति और क्षमता देखे। एकदम गौरव, देखिए ये बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक क्षण है हर एक भारतवासी के लिए। और आप देखिए कि कॉमनवेल्थ के बाद ये ऐसा मौका है जब ये मेगा अंतर्राष्ट्रीय इवेंट हो रही है, तो भारत की चमक और धमक पूरी दुनिया देखेगी। और जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री से लेके पूरी जो सरकार है उसने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने दिल्ली के नागरिकों से लेके हर एक भारतवासी से अपील की थी कि इस महापर्व में आप हिस्सा लीजिए। और कहीं ना कहीं आप देखिए जो वासुदेव कुटुम्बकम के तले ये पूरी इवेंट हो रही है, तो अपने आप में भारत ना सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय पावर है बल्कि कितना बड़ा सॉफ्ट पावर है इसका भी ये परिचायक है। तो अपने आप में भी काउंटडाउन शुरू हो गया है गौरव, रेड कार्पेट रोल आउट करने के लिए दिल्ली भी तैयार है, तमाम 5 सितारा होटलों को सजाया गया है। काफी समय लगा के बहुत बारीकी से दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया है, करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। और जाहिर तौर पे एक डेवलपिंग कंट्री के तौर पे किस तरह से एक वर्ल्ड पावर, एक वर्ल्ड लीडर है भारत, उसका जो उसकी झलक G20 के समिट शिखर सम्मेलन से मिलेगी। गौरव जी रहिए मेरे साथ। ऐश्वर्या, अगले 72 घंटे G20 शिखर सम्मेलन और उससे पहले कल जब अमेरिका के राष्ट्रपति भारत पहुंचेंगे तो एक शिखर वार्ता अलग से, इंडिया अमेरिका जो डायलॉग होगा वो भी बहुत महत्वपूर्ण। और प्रयास यही कि जब दुनिया के दो सबसे ताकतवर प्रजातंत्र एक साथ आए तो इससे लाभ दुनिया भर के विकासशील देशों को हो। तो किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं, किस तरह से मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट को लगाया गया है, ये पूरी तैयारियों का ब्यौरा दीजिए। देखिए मैं आपको बता दूं गौरव, आपने बिल्कुल सही कहा, प्रधानमंत्री जो बाइडेन जब यूएस के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो यूएस के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, जब ये लोग मिलेंगे तो ये डिसाइड किया जाएगा कि किस तरीके से सिर्फ हिंदुस्तान और यूएस की इकोनॉमी ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की इकोनॉमी को बढ़ाया जाए। मैं आपको बता दूं फाइनेंस मंत्रालय हिंदुस्तान का वो इस चीज में लगा हुआ है कि यूएस और इंडिया का जो ट्रेड है वो बढ़ना चाहिए और $200 बिलियन लगभग अगले 5 सालों के अंदर जो साइन होंगे अग्रीमेंट्स G20 के अंदर, जिस तरीके का फ्रेमवर्क बनाया जाएगा गौरव, उससे विश्व की इकोनॉमी को $200 बिलियन का मुनाफा होगा। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान ने एक छाप छोड़ के जाएगा, ये जो G20 है ये एक लेगेसी बनेगा हिंदुस्तान के लिए। तैयारी तो है, क्या आपने कभी सोचा था गौरव कि आप मिलेट्स जो है उसकी कुकीज खाएंगे? मिलेट्स को कहा गया है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 में, यानी कि यूएन ने इसको डिक्लेयर किया है, यही साल है ईयर ऑफ द मिलेट्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स। तो किस तरीके से हिंदुस्तान अपनी छाप छोड़ रहा है, दुनिया को बता रहा है उन सभी चीजों के बारे में जो कि हिंदुस्तान में सालों से चलती आ रही है, यही सब हमें देखने को मिलेगा। और सिर्फ यही नहीं, ये तो बात रही सॉफ्ट पावर की, बात अगर हम बात करें फ्रेमवर्क की, तो ये सब फ्रेमवर्क भी हिंदुस्तान अगले 2 से 3 दिन के अंदर इन सब के ऊपर मजबूती से आगे बढ़ेगा। गौरव